हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोवी घोष, जो सन के अंदर काम करते हैं। सन एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है जो स्विट्जरलैंड यूरोप में है। तो बाकी हम आगे सोविक से जानते हैं, इनका सफर कैसे रहा, कैसे वहां पर पहुंचे और अभी ये क्या काम करते हैं। तो सोविक, पहले हमें आप अपने बारे में बताइए और अपने थोड़ा जॉब के बारे में और सन के बारे में बताइए। हेलो गाइस, मैं शौविक घोष हूँ। मैं SRM से कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स डिग्री है मेरे पास। तो अभी मैं सर्न में काम कर रहा हूँ एज अ टेक्निकल स्टूडेंट इनके कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। तो ये सर्न दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो भी सर्न में ही सबसे पहले इन्वेंट किया गया था एज अ वे टू सेंड इंफॉर्मेशन अमंग डिफरेंट साइंटिस्ट। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी इंटरनेट की, और आज वो इंटरनेट इतनी बड़ी चीज़ हो गई कि उसके बिना हम लोग एक पल भी नहीं जी सकते। ये वीडियो भी तो रिकॉर्ड नहीं कर पाते। हाँ, वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। तो सबका शुरुआत यहीं पे हुआ था। तो यहाँ पे काम करना एक मेरे लिए बहुत बड़ा ड्रीम था, जिसके लिए मैं बहुत सालों से मेहनत कर रहा था। तो आज मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए एक ड्रीम जैसा ही है। तो जैसे आपने बताया बहुत सालों से मेहनत कर रहे थे, तो आपको ये पता कहाँ से लगा सन के बारे में, और कितने सालों से आप ट्राई कर रहे थे सन में आने का? तो सर्न में आने के लिए ये इसकी शुरुआत हुई थी जब मैं मेरे एक और रिसर्च इंटर्नशिप ढूंढ रहा था मेरे सेकेंड ईयर के एंड में। तो मैंने इसके पहले यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड में रिसर्च इंटर्नशिप की थी कंप्यूटर साइंस में। तो उस टाइम पे जब मैं ढूंढ रहा था तो मेरे को पता चला था कि सर्न में एक समर स्टूडेंट प्रोग्राम भी होता है। तो उस टाइम पे सेकेंड ईयर जब एंड हो रहा था हमारा, तो उस टाइम पे मैंने एक बार अप्लाई किया था और मैं रिजेक्ट हो गया था उसमें। तो फिर उसके बाद मैंने वापस से, जब मेरा थर्ड ईयर ख़त्म हुआ था उस टाइम पे, मैंने फिर से वही उसी समर प्रोग्राम के लिए वापस अप्लाई किया था और वो फिर से मैं रिजेक्ट हो गया था। और फिर उसके बाद मेरे को पता चला कि एक और चीज़ होता है टेक्निकल स्टूडेंट प्रोग्राम। तो उसके लिए फिर मैंने अप्लाई किया था मेरे फोर्थ ईयर के मतलब जब दिसंबर के टाइम पे, तो उसमें मैं फिर से रिजेक्ट हो गया था। तो फिर उसके बाद मैंने फाइनली अप्लाई किया मई ऑफ 2020 में, सॉरी मार्च ऑफ 2020 में, और उसका रिजल्ट आता है अराउंड मई में, जिसमें लकीली इस बार मैं सिलेक्ट हो गया। तो मेरी जर्नी टू सर्न काफ़ी मुश्किल रही है, काफ़ी रिजेक्शंस आए हैं, बट वही है कि तुम्हें बस डटे रहना होता है और हो जाएगी चीज़ कभी ना तो कभी। जब आप रिजेक्ट हुए तब उसमें, और जब सेलेक्ट हुए तब क्या डिफरेंस था? तो जब मैं पहले अप्लाई कर रहा था उस टाइम पे मेरे पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे पास ज़्यादा इंटर्नशिप्स की नहीं थी उस टाइम पे। उसके बाद जब पहली बार मैंने अप्लाई किया था उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ एक ही L&T इन्फोटेक में सॉफ्टवेयर डेवलपर का बहुत ही छोटा सा इंटर्नशिप था 20 दिन का, जो कि ऑब्वियसली वैल्यू नहीं रखता उतना ज़्यादा, क्योंकि 20 दिन में बंदा कितना ही काम करेगा। बट उसके बाद मेरे को समझ में आया कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है एक्सपीरियंस का। तो फिर मैंने अप्लाई करना चालू किया हर बार इंटर्नशिप्स में। तो वही है कि छोटा छोटा करके तुम्हें आगे जाना पड़ता है। तो पहला इंटर्नशिप मेरा L&T इन्फोटेक में था। उसके बाद फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड गया था न्यूजीलैंड में रिसर्च इंटर्नशिप के लिए 3 महीने के लिए। फिर उसके बाद मैं IIIT दिल्ली में एक और रिसर्च इंटर्नशिप में गया था, जहाँ पे मैंने काफ़ी सारा काम किया था AI पे, और एक एक ऐसी चीज़ जो गूगल मैप्स जैसी काम करती है, जिसके वजह से मेरे को गूगल में भी एक टेक इंटर्नशिप के लिए मतलब एक इवेंट था 2 दिन के लिए, उसमें भी मैं सिलेक्ट हुआ था। फिर उसके बाद मैंने वेरिटास में 6 महीने इंटर्नशिप की थी, तो जिसमें मैंने काफ़ी सारा डॉकर वगैरह पे काम किया था। तो ये सारी एक्सपीरियंसेस एक के ऊपर एक एड अप होते होते मेरे को लगता है उसी वजह से आज मतलब मेरा यहाँ पे वो रिजेक्शन से एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट हुआ है। तो जैसा कि आपने हमें बताया, आपने बहुत सारी ये टेक्निकल इंटर्नशिप्स की हैं, तो आपको इन सब के लिए सर्च कहाँ पे किया, कौन से रिसोर्सेस
मतलब कहाँ पर फाइंड किया आपने, आपके पास क्या बढ़िया तरीका था जो आपको इतनी सारी जॉब्स के बारे में पता लगा और आप अप्लाई करते रहे? जो सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी चीज़ को, किसी भी इंटर्नशिप वगैरह ढूंढने के लिए, वो एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसके बारे में सबको पता है लेकिन सब यूज़ नहीं करते हैं, और वो चीज़ है गूगल। गूगल एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बस लिखना पड़ता है चीज़ें और वो सारी चीज़ें बता देती हैं। तो मेरे को इतने सारे इंटर्नशिप्स इस वजह से मिल पाई क्योंकि मैं काफ़ी सारा टाइम डिवोट करता था चीज़ें ढूंढने में, मतलब रिसर्च सबसे ज़्यादा। मतलब ये चीज़ मेरे को मेरे मतलब इतने छोटे से मतलब बहुत ही कम एक्सपीरियंस है मेरे पास, बट इतने में ही मेरे को ये पता चला है कि रिसर्च करना सबसे बड़ी, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मुश्किल चीज़ होती है। और वो उसमें मुश्किल इस वजह से नहीं होता है कि ढूंढना मुश्किल होता है, मुश्किल इस ये होता है कि हमें वो चीज़ करनी मुश्किल लगती है क्योंकि हम लोग करना नहीं चाहते वो। तो बस कुछ नहीं करना होता है, तुम्हें बस गूगल में जाना होता है और तुम्हें बस जाके सर्च करना होता है रिसर्च इंटर्नशिप्स क्या होती है, रिसर्च इंटर्नशिप कैसे मिले। लोगों ने इतने सही सही ब्लॉग्स लिख के रखे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस लिख के रखे हैं, हमें बस जाके सिर्फ ढूंढना होता है, हमारे को और कुछ नहीं करना चाहिए, बस बस जाके ढूंढना होता है। या तो और अभी तो लिंक्डइन तो और भी बढ़िया चीज़ है, उसमें जाओ जाके इतने सारे लोग अपना अपना सब चीज़ें डालते रहते हैं, बस वो देखो और उसमें ही आपको समझ आ जाएगा कि कौन बंदा कैसे मतलब आपको क्या करना है फ्यूचर में। आप बस उसी वैसे टाइप के लोग ढूंढो लिंक्डइन में और देखो उन लोगों ने क्या किया है अपने पास्ट में, और बस तुम्हें बस वही चीज़ वापस अपने लाइफ में दोहरानी होती है एंड तुम्हें मिल जाएगा। ऐसे करके ही मैंने सर्न के इंटर्नशिप्स भी, मतलब मैं सीनियर्स जानता था जिन लोगों ने वहाँ पे सर्न में इंटर्नशिप की थी, और उन्हीं से देख के मेरे को लगा था कि यार मतलब ये लोग कर सकते हैं तो मतलब मैं भी कर ही सकता हूँ ढूंढ के। तो वही है कि मतलब मैंने ढूंढा और फिर मेरे को मिल गए चीज़ें गूगल में ओके और तो अप्लाई मतलब कर दिया। हमको पहले डिसाइड करना पड़ता है कि हम क्या करने चाहते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने को पूरा वो जितने भी अपना टाइम है वो पूरा इन्वेस्ट करना पड़ता है सर्च करने जरूर में। जरूर जरूर, बस और आपको ये सोचना होगा कि आप क्या करना चाहते हो और आपको बस वैसे टाइप के लोग ढूंढने पड़ेंगे अलग अलग जगहों पे, और जैसे ही आप उन लोगों को ढूंढते हो आपको बस ये देखना होता है कि उन लोगों ने क्या किया होता है उस स्टेज तक पहुंचने के लिए। और जैसे ही आपको वो पता चल जाएगा तो आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी कि अच्छा कि मेरे को अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में गोल्डमैन सैक्स में जाना है तो उसके पहले मेरे को क्या करना होगा, तो उसके पहले मेरे को कंपिटेटिव प्रोग्रामिंग करनी होगी या कुछ और करना होगा, तो वैसे करके हमको पता चल जाएगा कि क्या करना है, तो वो एक गाइडलाइन मिल जाएगा वैसे करके ढूंढेंगे तो। और अगर आप एकदम आलसी हैं तो हमारे YouTube चैनल को भी देख सकते वो तो है, हैं। ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, एक जगह सब कुछ मिल जाएगा। तो जैसा कि आपने बताया ये सन के अंदर अभी कर रहे हैं, तो यहाँ से आपने जैसे अपने फॉर्म सबमिट किया जब सेलेक्ट हुए थे तब से लेके एंड तक जो प्रोसेस थी उसके बारे में कुछ बताइए। तो ये जो प्रोसेस थी ये काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेस था, नॉर्मली ये इतना ज़्यादा होता नहीं है, बट ये इस बार इसीलिए हो गया क्योंकि इस टाइम पे ग्लोबल पैंडेमिक चालू हो गया था, कोविड था, और उस टाइम पे वीज़ा सारे बंद हो रखे थे। बट इसके पहले, वीज़ास तक आने के पहले मैं बताना चाहता हूँ मेरा जो एप्लीकेशन प्रोसेस था। तो जो एप्लीकेशन प्रोसेस सर्न में होता है किसी भी रोल के लिए अप्लाई करने के लिए, मतलब इन लोगों ने एक पूरा ही अलग पोर्टल बना के रखा है careers.cern बोल के, जिसमें आपको जाना होता है और वहाँ पे उन लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसमें आपको आपके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसको आपको आंसर करना होता है, जैसे कि आप क्यों सर्न में काम करना चाहते हैं, आपने पहले क्या काम किया है, आप क्या करना चाहते हो फ्यूचर में, और ऐसे करके बहुत सारे इन डेप्थ क्वेश्चंस रहते हैं जिसको आपको आंसर करना होता है। ये होता है पहला स्टेप एप्लीकेशन का। सेकेंड स्टेप ऑफ द एप्लीकेशन इज अ स्मॉल वीडियो इंटरव्यू। तो उस वीडियो इंटरव्यू में क्या होता है कि प्री रिकॉर्डेड क्वेश्चंस रहते हैं अपने आपके बारे में, जिससे कि वो लोग जान पाए कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, आप कैसे बात करते हैं, आप में कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा है। तो वो सेकेंड राउंड होता है, मतलब जिसमें आपको वीडियो इंटरव्यू देना होता है। उसके बाद ये होता है जब आपका एप्लीकेशन आप सबमिट कर रहे होते हो, उस टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें करनी होती है। उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि आपके और भी फर्दर इंटरव्यूज हो। इन माय केस मेरे और फर्दर इंटरव्यूज नहीं हुए थे, मेरे डायरेक्टली सुपरवाइजर के साथ मेरी बात हुई थी और मेरे साथ प्रोजेक्ट डिस्कस किया गया था, एंड देन क्योंकि हम लोगों की केमिस्ट्री बैठ रही थी तो मेरे को उसने सिलेक्ट कर लिया था इस प्रोजेक्ट के लिए क्योंकि मेरे पास इस फील्ड में पहले से ही वेरिटास में 6 मंथ्स का इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस था। तो
कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी किसी को मतलब वो लोग इंटरव्यू में कोडिंग कोडिंग के क्वेश्चंस भी पूछे, रिटन कोडिंग राउंड्स भी हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी टीम आपके प्रोजेक्ट आपके फाइल को पढ़ मतलब किसी ने एक्सेप्ट किया हो फर्स्ट राउंड में, तो वो लोग देखेंगे कि उनको क्या चाहिए, उसके टीम के हिसाब से आपकी इंटरव्यू होती है। तो ये तो हो गई इंटरव्यू की बात और सिलेक्शन की बात। इसके बाद इनकी एक कमेटी बैठती है जो कि सारे एप्लीकेशंस के थ्रू जाती है, जो कि वो सुपरवाइजर्स ने एक्सेप्ट किए होते हैं। फिर उसके बाद कमेटी बैठती है और कमेटी में सिलेक्ट होते हैं जो बच्चे सिलेक्ट होने होते हैं। फिर सबको एक्सेप्टेंस मेल्स जाते हैं। तो ये तो हो गया आपके एक्सेप्टेंस तक की जर्नी। उसके बाद की जो जर्नी होती है वो नॉर्मली बहुत ही स्मूथ होती है, बट मेरे केस में वो बहुत ज़्यादा रफ था, क्योंकि उस टाइम पे एज आई सेड ग्लोबल पैंडेमिक चालू हो गया था, सारे चीज़ें बंद थी। तो कोविड के वजह से मेरे को वीज़ा नहीं मिल पा रहा था और वीज़ा के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब वो करना पड़ा। बट लकीली उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए वीज़ाज खुल गए थे, तो मेरे को काफ़ी टाइम लगा। मतलब इनिशियली आई हैड टू स्टार्ट इन सेप्टेम्बर, बट वीज़ा नहीं मिलने के कारण आई हैड टू पुश इट टू अक्टूबर। सो लेकिन इस पूरे दौरान सर्न की जो एचआर टीम है वो इतनी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, वो लोग आप लोगों के हर एक स्टेप में हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा। स्टार्टिंग फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ वीज़ा टू रिसीविंग ऑफ वीज़ा टू एकोमोडेशन टू एवरीथिंग, और इसमें सब कुछ पेड होता है। मतलब आपके एयर टिकट से लेके आने जाने की एयर टिकट्स और स्टाइपेंड, एवरीथिंग इज पेड, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर फाइनेंसेस और एनीथिंग। तो काफ़ी ज़्यादा ईज होता है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। थैंक यू सोविक हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। इससे हमारे व्यूअर्स को बहुत हेल्प मिलेगी, और जो सर्न में जाना चाहता है अगर किसी को रेफरल चाहिए तो सोविक घोष के पास मैसेज करें कि आप एक्सेप्ट मतलब किसी को रेफरल देंगे। सर्न में ऐसा रेफरल का कुछ भी नहीं होता है। सर्न में सब लोग स्टार्टिंग फ्रॉम एक समर इंटर्नशिप से लेके अगर आपको फुल टाइम रोल तक चाहिए होता है, सब कुछ आपको इनके careers.cern के वेबसाइट में जाके अप्लाई करना होता है। यहाँ पे मतलब अनटिल अनलेस आप बहुत ही ज़्यादा हाई पोस्ट में हैं, देर इज़ नो नथिंग कॉल्ड एज रेफरल हेयर। सो एवरी वन हैज़ टू गो थ्रू द सेम प्रोसेस एंड ऑल। सो एनीवन, अगर आपको किसी को भी कुछ भी डाउट हो एप्लीकेशन में या कुछ भी हो, आप मेरे को लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हैं या किसी पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहूँगा, क्योंकि मैं जब अप्लाई कर रहा था उस टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, तो मैं चाहता हूँ कि वो दिक्कत किसी और को ना हो, और उसके लिए मैं सबको हेल्प करना चाहता हूँ। तो आप लोग जिसको भी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो, ज़रूर से मेरे को लिंक्डइन पे मैसेज करिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, फेसबुक पे मैसेज करिए, कहीं पे भी आप मैसेज करिए। ओके थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मेरे को बुलाने के लिए, और ये मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे आप लोगों को बुला के लोगों से बात कर सकते हैं और उनका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। थैंक्स अ लॉट। अरे थैंक यू सो मच सोविक हमारे चैनल पे आने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और आपकी जो जर्नी रही है वो शेयर करने के लिए। और अगर किसी को सन के अंदर अप्लाई करना है तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप सोविक को उनके इंस्टा पे, लिंक्डइन पे या फिर कोई और सोशल अकाउंट पे मैसेज करके उनसे आप अपनी डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। चलो बाय।